द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की ओर से प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को बढ़ाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत द्वारका निवासियों, राइडर्स व प्रोग्रेसिव क्लब की टीम ने 31 अक्टूबर को लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर बाइक व साइकिल रैली निकाली। द्वारका निगम पार्षद कमलजीत सहरावत, एडवोकेट अनिल लोचप के अलावा अन्य गणमान्य ने द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की कार्यशैली की सराहना की। प्रोग्रेसिव क्लब की अध्यक्षा उर्मिला शर्मा ने कहा, मुझे विश्वास है कि प्लास्टिक मुक्त अभियान से जुड़े समस्त द्वारका निवासियों द्वारा ई रावण दशहरे पर द्वारका को प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प को एक सार्थक मुकाम तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। उर्मिला शर्मा, द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की अध्यक्षा जी, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। जी, आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने प्लास्टिक फ्री इंडिया मूवमेंट के ऊपर रैली आयोजित की थी और हमने फिर आके सत्य साई संस्था का जो ये कार्यक्रम था इनको ज्वाइन किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने अपने ये अवेयरनेस दी कि लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको छोड़ के और कपड़े के थैलों को अपनाएं और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं। कम से कम हम अपने घर से शुरुआत करें, द्वारका से शुरुआत करें। कि हमने ये द्वारका में दशहरे वाले दिन प्रोग्राम लॉन्च किया था कि हम प्लास्टिक मुक्त द्वारका बनाएंगे, और उस दिन पूरे द्वारकावासियों ने शपथ ली थी। आज भी यहाँ पे ये शपथ ली गई कि हम पूरे द्वारका को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। हम अपने द्वारका से शुरुआत करेंगे, उसके बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद पूरा देश। आज के कार्यक्रम का आयोजन एक ऐसा आयोजन था जिसमें समाज के सभी वर्ग एक साथ आए। आज 31 अक्टूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हैं। नेहरू युवा केंद्र, उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। श्री सत्य साई संस्थान द्वारका की तरफ से उनके अध्यक्ष जो भी आराध्य हैं उनको ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और SDMC की तो रूटीन ड्यूटी है इस काम को करना, लेकिन इन सारी संस्थाओं के साथ आने से इस कार्यक्रम को आज बहुत अच्छे तरह से एक समाज में मैसेज गया कि सभी NGOs, जैसे कि उर्मिला जी की NGO प्लास्टिक फ्री पे काम कर रही है तो वो साथ आए, साइकिल रैली साथ में हुई है। तो जब समाज के सभी लोग मिलकर किसी एक समस्या को लेकर काम करना शुरू करते हैं तो उसमें काफ़ी सुधार आता है। मेरा नाम अनिल सुयाल है और मैं द्वारका सेक्टर 12 में ही रहता हूँ, और ये जो हमारे ग्रुप ने ये जो नया इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ में सरकारों को भी थोड़ा इसमें बेस रूट पे अगर वो करें और वहीं से अगर प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं ओनली केवल प्लास्टिक के लिए ही, हमें इन्वायरमेंट के लिए ट्री प्लांटेशन और सब चीज़ें इस तरह करते रहें, ऐसे ग्रुप आगे आते रहें। सो ये आई मीन द्वारका, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। संदीप महाजन मेरा नाम है, मैं सेक्टर 12 कनक दुर्गा सोसाइटी में हूँ। ये कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और हम ये ना सोचें कि एक जना क्या कर सकता है, अब एक आदमी भी बहुत बड़ा कदम उठा के एक रेवोल्यूशन कर सकता है, और हमें जुड़ना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमें अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। चाहे सुबह दूध लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, छोटा मोटा सामान लेने जा रहे हैं, खुद ही अपने परिवार के सभी सदस्यों के बोलें आप प्लास्टिक का यूज़ ना करें, और ये बहुत ही आगे लेके जाएगा हमको। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हम सबको आगे से बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। तो हमारा आज ये द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की तरफ से ये अभियान है कि हम कोशिश करें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करें। उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि अपनी गाड़ी में अपने घर से जब भी निकले तो कोई ना कोई अपना थैला साथ लेके जाएं, सो दैट जब आप मार्केट से सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, तो सब्जी वाला तो कहे पॉलिथीन में डालना शुरू कर देता है क्योंकि उनकी हैबिट बनी हुई है। उनको बोलेंगे नहीं, हमें पॉलिथीन नहीं चाहिए, हमारे पास बैग है, हम अपने बैग में अपना घर का सामान लेते हैं। वेरी गुड कॉज टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स। एज डॉक्टर सुरेंद्र स्टेट दैट फॉर फ्यूचर और फॉर एनीथिंग लाइक वी शुड से नो टू प्लास्टिक, and plastic is a nuisance all over world, so we have to take care. We have our own jute bag or jute produced items which you can use, and it is really a time to all of us to think that we should not use plastic and use recyclable jute bag or cotton bag. Thank you very much for organizing this great cause on the birthday of Sardar Vallabh Bhai Patel. Say no to plastic. भी ये हमारा प्रोग्राम जैसे समापन हो गया, इसके ऊपर एक छोटा सा एक दो पंक्ति सा बोलना चाहता हूँ मैं। हर नागरिक का हो सपना, स्वच्छ भारत देश हो अपना,
अब नहीं चलेगा बहाना, सफाई को हम सबने है अपनाना और देश को स्वच्छ है बनाना। बहुत बढ़िया।